शानदार परिणाम गुणवत्ता की पहचान होती है और यही दिख रहा था जहानाबाद के एरोड्राम में अवस्थित एमपीसी स्कूल में, जहां फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का रिजल्ट वितरण किया जा रहा था। इस मौके पर शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया था। शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह में काफी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे, जिसे संबोधित करते हुए एमपीसी विद्यालय के डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि आपके बच्चों के प्रति विद्यालय परिवार अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाता है, जिसका परिणाम है कि बच्चों का फर्स्ट टर्मिनल का रिजल्ट इतना शानदार हुआ है। वहीं प्रमोद कुमार ने कहा कि वैसे अभिभावकों को मैं पूरी तरह से आगाह करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं कि विद्यालय के बाद अपने बच्चों पर पूरी तरह निगरानी रखें और बच्चों को अपना समय दें। साथ ही साथ प्रमोद कुमार ने बच्चों की ट्यूशन के बहाने पढ़ाई लिखाई बर्बाद होने की भी बात कही। इन्होंने कहा कि एमपीसी विद्यालय में सभी विषयों के काफी अनुभवी परिपक्व शिक्षक शिक्षिकाओं की पूरी टीम है, तो फिर ट्यूशन की क्या जरूरत है। इन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपको किसी भी विषय में कहीं पर कोई भी समस्या है तो आप सीधे सीधे शिक्षक से पूछें, शिक्षक से बात नहीं बने तो फिर हमसे पूछें, हम आपकी सभी समस्याओं का हल करेंगे। बेहतर रिजल्ट से बच्चे और अभिभावक काफी गदगद थे। इस मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल अनुराधा सिंह ने बच्चों के अभिभावकों को निर्देश दिया और कहा कि जितना एमपीसी विद्यालय आपके बच्चों के प्रति गंभीर है, अगर आप में उसकी गंभीरता 25% भी होगी तो आपके बच्चों को तरक्की की ऊंचाइयों को छूने से कोई रोक नहीं सकता। फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के रिजल्ट एवं पीटीएम के मौके पर काफी संख्या में अभिभावकों ने बच्चों ने कहा कि बेहतर परिणाम से हम लोग काफी खुश हैं, क्योंकि एमपीसी विद्यालय के सभी शिक्षक जिस टेक्निक से पढ़ाते हैं उससे कठिन प्रश्न भी बहुत आसान हो जाता है। बेहतर रिजल्ट लाने वाले बच्चों को पुरस्कार के रूप में टूर पर ले जाने की बात डायरेक्टर ने कही। इस मौके पर एमपीसी विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों को एवं अभिभावकों को बेहतर शिक्षा के लिए अपनी सही राय दी। इस अवसर पर माहौल काफी खुशनुमा था, बच्चों एवं अभिभावकों के चेहरे खुशी से खिल रहे थे। सिखाते हैं कि अच्छे से पढ़ो, हम लोग भी इस स्कूल में पढ़कर बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, इसलिए यह विद्यालय को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ अच्छे से पढ़ाया जाता है, हर तरीके से पढ़ाया जाता है। जी, मेरा नाम अशोक प्रियदर्शी है। हमारी तीन बेटी एमपीसी स्कूल में जहानाबाद में पढ़ती है। दो बेटियाँ 9th क्लास में हैं, 1 5th क्लास में हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि जहानाबाद में सभी स्कूल के साथ मेरा संबंध बहुत बेहतर है, लेकिन सभी स्कूल में एमपीसी की पढ़ाई से मैं इतना संतुष्ट हूँ कि मैं तीन बेटियों की पढ़ाई यहाँ दे रहा हूँ। क्या बस यहाँ का डिसिप्लिन और हेड सर का, प्रमोद सर का जो डिसिप्लिन है और जो उनको पढ़ाने का तरीका है, जो उनके स्कूल में जो भी उनका गाइडलाइन है, उससे बच्चे इतना बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। घर में भी हमें ट्यूशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इस स्कूल का सबसे बड़ा फायदा है। इस बार 2022-23 का फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया है सर, और इस रिजल्ट डे में बच्चों का उत्साह देखने को मिला कि जो कोरोना काल से जो बच्चे कुंठित थे उनका मनोबल 4 महीने में काफ़ी ऊँचा उठा और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। बच्चे उत्साहित हैं, पेरेंट्स उत्साहित हैं, और हम चाहेंगे कि कुछ बच्चा जो जिनका रिजल्ट थोड़ा हल्का कम है, जो थोड़े पढ़ने में मन लगाते हैं मगर थोड़ा रिजल्ट है तो रिजल्ट तो अपना रूप लाएगा ना, तो उसमें कुछ कमी है, तो उन बच्चों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि ताकि वो अगला जो रिजल्ट हो उसमें अच्छा करें। पेरेंट को भी मैं कहूँगा कि जो बच्चे का कुछ कमी रह गया उस कमी को हम और आप मिलकर अगले सत्र में, अगले जो टर्म होगा उसमें हम लोग अच्छा करेंगे, और वो लड़का भी अच्छा करने पर विवश हम करेंगे। अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे आप? अभिभावकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हम तो ध्यान दे रहे हैं, हमारे शिक्षक ध्यान दे रहे हैं, खासकर इस विद्यालय में शिक्षक तो हैं ही, मगर सबसे ज़्यादा अलर्ट आपके प्रमोद सर हैं, यानी मैं हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा केवल ध्यान दें, बस केवल उनके बारे में हमें घर की प्रक्रिया बताएं कि क्या कर रहा नहीं कर रहा है, उसके बाद मैं सारा चीज़ उसका सही मार्गदर्शन करके एक अच्छा भविष्य बनाने का कोशिश करूंगा। तो लोग कहते हैं कि एमपीसी में पढ़ाने में ट्यूशन नहीं पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो सर देखिए, ट्यूशन जब हम यहाँ पे हम कहें ना, पहले स्कूल के शिक्षक तो पढ़ाते ही, खासकर डायरेक्टर खुद मैं पढ़ाता हूँ, किसी भी क्लास के बच्चे से जाकर पूछे, टीचर को मैं बैठा देता हूँ, खुद मैं जाकर क्लास, चाहे कोई भी क्लास हो, लोअर क्लास हो या हायर क्लास हो, मैं खुद लेता हूँ।
और ऑल सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि हमारे से कोई सब्जेक्ट छूटा हुआ है। अब जिसमें हम देख रहे हैं सर कि जो लड़का या लड़की ट्यूशन जा रहा है ना, वही लड़का लड़की का रिजल्ट थोड़ा सा कम है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया का देख रहा है। अब बाहरी दुनिया में जाकर वो पढ़ते नहीं, कुछ खेला में व्यक्त रहते हैं, थोड़ा इधर उधर की दुनिया को देखने लगते हैं। तो मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि वो ट्यूशन की ओर ना देखकर मेरे ध्यान पर दें। हाँ, अगर पढ़ाई खराब होती है तो हम दोषी हैं, उसके बारे में हमें बताइए, नहीं करता तब हमें बताइए। हम उसे विश्वास तो कीजिए, हम उस बच्चे को अलग टीच करूँगा, मैं खुद टीच करूँगा, कैसे मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्मिनल का रिजल्ट था, अब आगे के लिए बच्चों को सर, क्या कहें? इसमें हम तो भाई बराबर बच्चों को ऑफर देते हैं, आप भी जानते हैं, हमारा पूरे जहानाबाद जानता है कि विद्यालय बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा तत्परता रहता है। तो जो इस बच्चे इस टर्म में फर्स्ट टर्म में जो बच्चे हमारा रैंक में है ना, उन्हें मैं करौता रानी का दर्शन मुक्त कराऊंगा, उनका कोई पैसा नहीं, जो टॉप रैंक में लाए हैं। दूसरी बात है, हमारा विद्यालय का जो रंगारंग कार्यक्रम होता है स्वतंत्रता दिवस पर, 15 अगस्त आने वाला है, उस पर भी भव्य कार्यक्रम होने वाला है। मैं उन बच्चों को प्रोत्साहित करूंगा, इनाम दूंगा कि जो बच्चे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड किए हैं, मैं उन बच्चों को मंच पे बुलाकर, उनके पेरेंट्स को बुलाकर उन्हें मैं सम्मान दूंगा, कि ताकि बच्चा जो लड़का हमारा कुछ कमी रह गया है, वो बच्चे को भी देखकर कुछ सीखें और कुछ अपने आप को जीवन में अमल करें।